हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में पूछा गया था कि मेरे वॉशिंग मशीन की प्राइस क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वॉशिंग मशीन की प्राइस 22,000 रुपये है और पूरा 22,000 का मुझे पड़ा था और ये 6 kg का है। अगर इससे ओवर आप लोगे जैसे कि 7 kg 7.5 तो आपका जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। तो मेरा 6 kg का है और 22,000 इसका जो है MRP है। तो अभी मैंने कपड़ों को धुलने के लिए मशीन में लगा दिया है और इधर मैं मटर छील लेती हूँ और साथ ही मैं चाय पी रही थी और सोच रही थी आज की मटर आलू की जो है वो पूड़ी बनाऊंगी और आलू का सब्जी बनाऊंगी, आलू दम टाइप का। तो मटर की पूड़ी के लिए पहले मैंने तेल को गर्म कर लिया, सरसों का तेल। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, ये 1/2 चम्मच जीरा है। फिर इसमें मैंने खड़े ही लहसुन डाल दिए हैं और हरी मिर्च मोटी मोटी कट करके डाल दूंगी। जब ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें जो साबुत मटर है वो डाल दूंगी और फिर वही बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, नमक, बस और कुछ नहीं डालूंगी। लास्ट में मैं इसे जब ये पक जाएंगे मटर ना, तो इसका मैं एक पेस्ट बना लूंगी, पेस्ट जैसे इसे पीस लूंगी। और ये देखिए मैंने काफ़ी मात्रा में हींग डाला है क्योंकि जो मटर होता है वो गैस, ज़्यादा गैस बनाता है। रुपेश को तो बन जाता है, जब भी वो मटर खाता है तो उसे गैस बन जाता है, तो इसलिए मैं काफ़ी मात्रा में इसमें हींग डाल रही हूँ। तो अभी देखिए मैं सब चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए। और इधर देखिए सारे आलू जो मैंने बॉयल किए थे उसे मैंने ग्रेट कर लिया है, ये धनिया की पत्ती मैंने काट लिया है। और इधर अभी मटर को चेक कर लेते हैं कि मटर अभी सॉफ्ट हो गया है या नहीं। तो अभी देखिए मटर मैं चला लेती हूँ, फिर इसे मैं चेक कर लूँगी कि सॉफ्ट हो गया या नहीं। तो ये देखिए ये जो है छटक जाएगा, ये सॉफ्ट नहीं हुआ था, ये गिर गया नीचे। फिर मैंने इसे 5 मिनट के लिए और ढक के छोड़ दिया कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर इसे मैं पीस लूँगी और मिक्सर में नहीं पीसूँगी, मैंने सोचा कि आज सिलबट्टे से ही सारा काम करूँगी क्योंकि सिलबट्टे की पीसी हुई चीज़ का टेस्ट जो है ना वो काफ़ी अलग हट के आता है मिक्सर की अपेक्षा। तो इसलिए आजकल ठंडियों में मैं चटनी भी सिलबट्टे से ही पीस रही हूँ और जो भी बाकी सारे जो काम है वो मैं सिलबट्टे से ही कर लेती हूँ क्योंकि तो ज़्यादा लोग तो हम लोग हैं नहीं, थोड़े ही लोग हैं, तो थोड़े से मसाले ही मुझे पीसने होते हैं। जब काफ़ी सारे मसाले पीसने होते हैं तो ही मैं मिक्सर का इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी देखिए मटर को मैंने पीस लिया है और इसे अच्छी तरीके से आलू में जो है मिक्स कर लूँगी और इसमें मैंने धनिया पत्ती भी डाल दिया है और नमक जो है ये अब मैं डाल लेती हूँ, धनिया की पत्ती, सॉरी मैं भूल गई थी, मुझे लगा कि मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। और नमक जो है वो मैंने एक्स्ट्रा डाला था मटर में ही, तो मुझे नमक बाहर से नहीं डालना पड़ा। और बैटर तैयार है आलू का, तो इधर मैं अब सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ जिसके लिए मैंने कुकर को चढ़ा दिया है हीट होने के लिए और ये सरसों का तेल डाल दिया है। और तेल गर्म हो गया है तो मैंने लौंग, इलायची, जीरा और छोटा सा दालचीनी का एक टुकड़ा था वो, और आधा छोटा सा मैंने प्याज कट कर लिया है क्योंकि सब्जी सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ, बच्चे खाएंगे नहीं, उन्हें पूड़ी और चटनी ही खा लेंगे और हस्बैंड को खाना आज खाना नहीं है घर पे, उनको बाहर से दावत है। और यहाँ देखिए टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इसका मैंने दरदरा जो है पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल बारीक मैंने नहीं इसे पीसा है क्योंकि ये जो है ये जो खड़े मसाले रहते हैं तो ही अच्छे लगते हैं, बारीक नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसे दरदरा ही पीस लिया। और यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला थोड़ा सा और नमक, हल्दी ये सब डाल के मसालों को अच्छी तरीके से भून लूँगी। और आप मसालों का कलर देख सकते हो कितना अच्छा मसालों का कलर जो है आया है, मुझे मतलब इसका स्मेल इतना अच्छा आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपसे। और फिर मुझे थोड़ा सा ही चावल बनाना था और रुपेश बोल रहा था कि मम्मी मेरे लिए चावल थोड़ा फ्राई कर दीजिएगा, तो थोड़ा मैंने चावल जो है वो बढ़ा के मतलब साफ़ किया था। और यहाँ अभी मैं आलू को डाल देती हूँ, ये बॉयल आलू नहीं है, कच्चे आलू हैं क्योंकि मैं कुकर में बना रही थी तो मैंने सोचा कि बॉयल क्या करूँ, साथ ही मतलब जो कुकर में बन रहा है तो खुद ही ये अच्छे से पक जाएगा, तो इसलिए मैंने आलू को बॉयल नहीं किया। अगर आप चाहते हो तो आलू बॉयल करके डाल सकते हो अगर आप कढ़ाई में बना रहे हो तो। तो अभी देखिए मसाले जो हैं अच्छे से भून गए हैं, तो ये मैंने पानी रखा है, धनिया मैंने उसमें कट करके पहले से ही डाल दिया था और बस अभी से पानी को मैं इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं सीटी लगा दूँगी और 3-4 सीटी आने तक मैं इसे गैस पे छोड़ देती हूँ। जब 3-4 सीटी लग जाएगी तो सब्जी जो है वो रेडी है। और फिर मैं चटनी लगा लेती हूँ, हरे धनिए की, टमाटर, सूखे लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन
और नमक डाल दूंगी और इसकी चटनी में लगा लूंगी। और आलू के पराठे के साथ, आलू मटर के पराठे के साथ चटनी बहुत अच्छी जाती है। मेरे बच्चों को सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है पूड़ी के साथ आलू के, वो बोल रहे थे कि आप चटनी लगा दो, मैं चटनी से ही खा लूँगा, तो इसलिए मैं चटनी लगा देती हूँ। और सिलबट्टे पे इसलिए लगा रही हूँ कि सिलबट्टे की चटनी की बात ही अलग होती है, तो इसीलिए मैं सिलबट्टे पे चटनी लगा ले रही हूँ ठंडियों में। और गर्मियों में तो मिक्सर में या कभी मन किया तो सिलबट्टे पे लगाती हूँ। तो अभी देखिए चटनी मेरी जो है वो पिस गई है और यहाँ अब मैं पूड़ियों की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है लंच का। और बच्चे नाश्ता तो सुबह कर ही लिए थे लेकिन अब जो है लंच का टाइम हो गया है और बच्चों को पूड़ी देख के तो भूख आप समझ सकते हो कि लगी जाती है। रुपेश पूड़ी नहीं खाया था, उसके लिए मैंने पराठा सेक दिया था आलू का, और हम छवि पूड़ी खाए थे। तो ये देखिए मैंने लोई बना लिया है, उसके अंदर बैटर जो है फील कर दिया है और अभी मैं इसी सावधानी से बेल लूँगी क्योंकि फटने का डर रहता, अगर ये कहीं से फट जाएगा तो जो पूड़ी जब हम इसे छानेंगे तो इसके अंदर पूरा ऑयल जो है बिल्कुल भर जाएगा और टेस्टी नहीं लगेगा पूड़ी, तो इसलिए मैं बहुत सावधानी से इसे बेल लेती हूँ। और अब आती है बारी फ्राई होने की, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ठंडियों का खाना, ठंडियों का ये आलू मटर की पूड़ी, किसी चीज़ की भी पूड़ी ठंडियों में ही अच्छी लगती है, गर्मियों में तो हम ये ऐसे चीज़ नहीं खा पाते हैं उतना। तो अभी देखिए पूड़ी जो है वो फूल रही है और पलट लूँगी दोनों तरफ से, अच्छा सुनहरा कलर आने तक इसे मैं फ्राई कर लूँगी। और लो टू मीडियम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे अगर करूँगी तो पूड़ी अच्छे से नहीं क्रिस्पी नहीं बनेगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पूड़ियों को फ्राई करना चाहिए क्योंकि ये जो पूड़ियाँ होती हैं थोड़ी पूड़ियों की अपेक्षा ये मोटी होती हैं, तो इसी वजह से अभी देखिए पूड़ी का कलर कितना अच्छा आया है, देखते ही मुँह में पानी आ गया, मेरा मन तो कर रहा है मैं फिर से इसे बना लूँ। और सच में बहुत ही टेस्टी बना था, आप इसे ट्राई ज़रूर करना। और यहाँ बच्चे जो है मेरे पास ही खड़े हैं, छवि खाना मांग रही है कि मम्मी मुझे जल्दी से आप पूड़ी और चटनी दे दीजिए, और रुपेश का एग्ज़ाम है कल, तो दोनों बच्चों का है, रुपेश छवि जो है वो तैयारी कर ली है, रुपेश का अभी तैयारी चल रहा है, तो रुपेश वही खड़ा है मेरे बाजू में और देखिए जो बुक है वो मेरे पास है, मैं उसका जो उसने लर्न किया है वो मैं सुन भी रही हूँ और साथ में पूड़ी भी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, अगर जरा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी तरह से मैं सारे पूड़ियों को तल लूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में।